हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपीरियंस किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है कलेजी, थोड़ी सी फ्राई टाइप की है। उसके लिए जो है तीन चार इन्ग्रीडियंट्स ही चाहिए, मसलन प्याज, टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, दही, बस। और हम इससे कलेजी फ्राई कर लेंगे। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई के नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। ये वक्त कुकिंग ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी। उसमें मैं डालूंगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, फिर मैं बाकी चीज़ें डालूंगी। हमारे एक व्यूअर ने जो एक मैसेज किया था, उन्होंने कहा था आप रेसिपी कार्ड भी बताया करें, तो मैं रेसिपी कार्ड अब रेसिपी शुरू होने से पहले मैं आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा तेल गर्म हो गया, उसमें मैं डालूंगी प्याज। ठीक है, प्याज डालने के साथ साथ थोड़ी सी मैं प्याज को फ्राई करूंगी, ना ज़्यादा ब्राउन करूंगी, ना ज़्यादा जो है ना गोल्डन इश का करूंगी, हल्की सी इसको मैं फ्राई करूंगी। ये हल्की हल्की प्याज होने लग गई है ना, इसी के साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूंगी ताकि ये साथ ही मिक्सअप हो जाए। इसमें मैं डालूंगी दो छोटे टुकड़े दालचीनी के और इसको भून लूंगी। अब मैं डालूंगी टमाटर, और टमाटर भी डाल के मैं इसको हल्का सा भून लूंगी 1 से 2 मिनट। ये देखें, ये प्याज टमाटर हो गई है, टमाटर हमारे अच्छे तरीके से हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी कलेजी। अब कलेजी डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी। अब इसके साथ साथ डालेगा हल्दी 1 चाय का चम्मच फुल भर के, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और नमक। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा, इतना आपको सूट करता है। ये डाल के आपने इसको मिक्स करना। ये देखें, ये भुनने की तरफ आ गई है, अब इसको भूनने देंगे 1 से 2 मिनट। ये भुनेगी, फिर आगे का प्रोसीजर बताऊंगी आपको। ये देखिए कलेजी होने लग गई है ना, मैं आपके सामने इस तरीके से हरी मिर्च गोल गोल काट के डालूंगी 1 से 2। ओके, और फिर मैं उसको भून लूँगा, चम्मच चलाऊंगा। अच्छा, चम्मच हल्के हल्के चलाएगा, ये ना हो कि कलेजी टूट जाए। इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच दही के, 1 से 2 चम्मच दही। असल में ये चिकन की कलेजी है तो ये जल्दी बन जाती है। ठीक है, ये होगा, एक से आधे से कम, 1 चम्मच से कम मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया। अब इसको मैं होने दूंगी और 1 से 2 मिनट के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारी कलेजी फाइनल डन हो गई है। अच्छी तरीके से तेल ऊपर आ गया है, अच्छी तरीके से ये भुन चुकी है, फर्स्ट क्लास हो गई है। तेल ऊपर आने के बाद
अब मैं इसको डिशॉर्ट करती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्लेम इसका मैं बंद कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये कलेजी हमारी रेडी हो गई है। इसको आप चपाती, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।